हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 1। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्लास 10th में जो बेसिक तीन फॉर्मूले पढ़े थे उनका आज हम रिवीजन करेंगे और उसको नए तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला हमारा फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू योर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये दोनों में कॉमन होगा तभी ये 1 के बराबर होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कहूं कि अगर आपको दिया हो कि साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका आंसर 1 नहीं होगा, मतलब दोनों के पास सेम एंगल होना चाहिए। अगर यहां पे भी थीटा बाई 2 हुआ तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे मैं कहूं कि साइन स्क्वायर, मान लो यहां 2 थीटा कर दिया, प्लस कॉस स्क्वायर, मान लो यहां पे 2 थीटा कर दिया, तब भी आंसर कितना आएगा, 1, क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम है। यहाँ पे ये नहीं रखना कि थीटा थीटा हो, यहाँ पे ये समझना है कि बोथ एंगल शुड बी सेम। ठीक, जैसे मैं यही चीज़ यहाँ करूँ, जैसे मैं कहूँ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो ये सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ 1 प्लस टैन स्क्वायर, यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। मतलब ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी ये इक्वेशन वैलिड है। फिर आता है, जैसे मैं कहूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर, मान लो यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे भी क्या होगा, कोसेक स्क्वायर 2 थीटा होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो यहाँ पे क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। ये चीज़ आप लोगों को समझनी पड़ेगी। सबसे पहला फॉर्मूला जो हमारे लिस्ट में है वो है, पहली बात तो लिस्ट है, क्या है आपका, मल्टीपल एंगल्स की है। मल्टीपल मतलब होता है मोर देन 1, मल्टीपल मतलब मोर देन 1। जैसे सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं कि साइन का, अभी तक थीटा पढ़ रहे थे ना, लेकिन अब थीटा को क्या पढ़ेंगे, ट्वाइस ऑफ थीटा। अब साइन का मल्टीपल एंगल पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे रटना नहीं है कि 2 थीटा होगा तो थीटा थीटा होगा, यहाँ पे समझना है कि साइन के अंदर जो भी एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूं कि यहाँ पे दिया हुआ है साइन ऑफ 4 थीटा, तो आप कहोगे सर ट्वाइस ऑफ, स्केलेटल पूरा पूरा यही रहेगा, हम ना तो फंक्शन में ना तो कांस्टेंट में कोई बदलाव नहीं कर सकते। बदलाव कहाँ होगा, सिर्फ एंगल में। देखिए एंगल यहाँ डबल हुआ ना, तो यहाँ पे भी डबल कर दो, मतलब यहाँ से आधा हुआ है तो यहाँ से आधा क्या होगा। जैसे हम कहें साइन ऑफ 32 थीटा तो यहाँ पे क्या होगा, ट्वाइस ऑफ साइन कॉस, स्केलेटल पूरा पूरा वही है, और 32 का आधा कितना हो जाएगा, 16 थीटा, यहाँ कितना हो जाएगा, 16 थीटा हो जाएगा। जैसे हम कहें कि यहाँ पे केवल साइन थीटा है और हमको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है तो स्केलेटल पूरा पूरा वही रहेगा और जो भी एंगल होगा उसको यहाँ क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। जैसे मैं कहूँ कि साइन थीटा बाई 2 है तो यहाँ क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ साइन, स्केलेटल पूरा पूरा वही ले लेंगे, थीटा बाई 2 का आधा कितना होगा, थीटा बाई 4, थीटा बाई 4, मान लो यहाँ थीटा बाई 4 होता तो क्या हो जाएगा, थीटा बाई 8 इंटू थीटा बाई 8, यहाँ पे भी थीटा बाई 8। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है, इसे नोट करें जल्दी से। चलो अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूले के एनालिसिस करेंगे जो कि है आपका कॉस 2 थीटा। तो इसका पहला फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी यही बात समझनी है कि जो भी एंगल यहाँ पे है उसका आधा यहाँ पे है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि कॉस ऑफ 4 थीटा के बारे में बताओ तो आप कहोगे ये होगा कॉस स्क्वायर, स्केलेटल आपका वही रहेगा, ठीक है, और एंगल जो भी है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आधा हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ कॉस ऑफ सिंपल थीटा का बताइए तो आप कहोगे कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर और एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे आधा हो जाएगा। यहाँ थीटा बाई 2 होगा तो यहाँ क्या होगा, थीटा बाई 4, क्लियर है ये चीज़, ओके। अब इस फॉर्मूले को ज़रा हम फिर से लिखते हैं, कॉस 2 थीटा क्या है आपका, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर हम इक्वेशन पढ़ें ये वाली कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है आपका, 1 होता है, तो यहाँ से हमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी,
वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज है। तो कॉस टू थीटा का एक नया फॉर्मूला मिल गया, वन माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। तो एक नया फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया। अब देखो कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर की वैल्यू तो एक बार रख चुके हैं, अब साइन स्क्वायर थीटा को क्या ले सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, एक ये और एक ये, ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो ये हो गया कॉस टू थीटा का फॉर्मूला। तो देख सकते हैं कॉस टू थीटा का एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला और तीन फॉर्मूला। तीनों फॉर्मूले को अगर हम एक साथ लिखें तो कॉस टू थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये होता है वन माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, और यही होता है ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, अब देखो कॉस टू थीटा को अगर हम इसको लिखें आसानी से तो ये होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है ना। अब टू साइन स्क्वायर थीटा इधर लाओ और कॉस टू थीटा उधर ले जाओ, तो वन माइनस कॉस टू थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू साइन स्क्वायर थीटा। बोलो भाई, अब हम कॉस टू थीटा का एक और फॉर्मूला लिखेंगे, कॉस टू थीटा क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। इधर लाओ, वन प्लस कॉस टू थीटा कितना आ गया, टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये रिजल्ट आप लोगों को याद रखना है, ये हमेशा काम आएगा। मतलब कि आपके पास क्या है, वन माइनस कॉस टू थीटा किसके बराबर है, टू साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, और वन प्लस कॉस टू थीटा किसके बराबर है, टू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। अगर हम खाली कहें कि वन माइनस कॉस थीटा, देखो एंगल आधा किया ना यहाँ पे हमने, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टू साइन स्क्वायर, यहाँ पे भी एंगल आधा कर देंगे, और वन प्लस कॉस थीटा केवल होगा, देखो एंगल आधा किया ना, तो यहाँ पे भी एंगल क्या होगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। ये चार फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले समय में, मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जब भी पढ़ेंगे, ये फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज़ कि नहीं क्लियर है, इसे जल्दी से नोट करें आप लोग।